hello everyone hope you all are doing very good so today i'm here for you with an another video on the topic emotions and the theories of emotion in this video we will discuss about emotions and different components of emotions different theories given by different psychologists on emotions so let's get started and before starting the video if you have not subscribed the channel yet please do subscribe the channel so let's start with the video first of all emotions what are emotions emotions kya hote a complex state of feeling that result in physical and psychological changes and influence the thought and the बिहेवियर ठीक है तो ऐसी स्टेट हमारे माइंड की ऐसी स्टेट ऐसी फीलिंग्स ठीक है जिनसे हमारी बॉडी में कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं और हमारे माइंड में कुछ चेंजेस होते हैं हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ में कुछ चेंजेस होते हैं इससे फिर हमारे बिहेवियर पे क्या रिजल्ट पड़ता है दैट आर कॉल्ड द इमोशन फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम खुश होते हैं तो हमारा जो फेस है हमारे फेस पे क्या आ जाती है स्माइल आ जाती है ठीक है हमारी आइज़ जो होती हैं एकदम स्पार्कल करने लग जाती हैं अगर हमें गुस्सा आता है तो हमारा जो आइज़ है वो एकदम रेड हो जाती है हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपको हिट किया थक्का मारा और आप गिर गए ठीक है तो यहाँ पर जो फिज़िकल चेंज आएगा कि आप गिर गए और आपको चोट लग गई या फिर आपको उस एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में दर्द होना शुरू हो गया दैट इज योर फिजिकल चेंज एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस में क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में आएगा कि इसने मुझे धक्का मारा इसने मुझे धक्का क्यों मारा ठीक है उसकी वजह से आपका जो थॉट है और जो बिहेवियर है वो आपके बिहेवियर में क्या आएंगे कुछ चेंजेस आएंगे सो so ये सब मिल के क्या बन जाते हैं हमारे इमोशन हमारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस जो कि हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं दैट आर कॉल्ड द इमोशन ठीक है फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस इज द इमोशन हम खुश होते हैं नेक्स्ट इज फियर हम किसी भी एक स्टिमुलस डर जाते हैं फ्राइटन हो जाते हैं ठीक है हमें डर लगता है कि कहीं ये हमें कुछ हर्ट ना करे हमारे अंदर एक इमोशन डेवलप होता है फियर का ठीक है अगर मान लो सपोज किसी ने हमारे बारे में कुछ बोला है या किसी ने हमारी इंसल्ट की है तो हमारे अंदर एक इमोशन डेवलप होता है एंगर का फ्रस्ट्रेशन का सो so, ये सब क्या होते हैं इमोशंस होते हैं ये फीलिंग्स होती हैं ये एक ऐसी स्टेट होती है जिससे हमारे साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली दोनों चेंजेस होते हैं और जो हमारे बिहेवियर को अल्टीमेटली इम्पैक्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन में फर्स्ट आता है यहाँ पर फिजियोलॉजिकल अराउजल जिसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस ऑल्सो ठीक है कि किसी भी एक स्टिमुलस की वजह से आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आए फॉर एग्जाम्पल आप रोड पे जा रहे हो डॉग सामने से आ रहा है वो चेज कर रहा है ठीक है आपकी तरफ चेज करता हुआ आ रहा है दौड़ता हुआ आ रहा है उसी टाइम क्या होगा आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी ठीक है आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा ठीक है आपके हाथ पैर कांपना शुरू हो जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल अराउजल यानी कि फिजिकल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं किसी भी एक इमोशन को लेकर नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल अपराइजल या फिर बिहेवियर यानी कि साइकोलॉजिकल चेंजेस ठीक है उस टाइम हमारे माइंड में क्या चल रहा है आपका थाट प्रोसेस उस टाइम चलना शुरू हो जाता है कि ये डॉग मेरी तरफ चेस कर रहा है माइट बी ये मुझे बाइट कर ले ठीक है तो वो होता है आपके साइकोलॉजिकल चेंजेस या साइकोलॉजिकल बिहेवियर एंड नेक्स्ट है हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस कॉन्शियस एक्सपीरियंस का मतलब है कि हमारी कॉन्शियस उस टाइम क्या एक्सपीरियंस करती है हमारी कॉग्नेटिव एबिलिटीज़ पे के साथ रिलेट करता है हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस यानी कि हम जो हमारे फिजिकल और जो हमारे साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं हम उनको क्या लेबल दे रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड आर कॉन्शियस एक्सपीरियंस ठीक है वो लेबल करते हैं उस इमोशन को क्या ये फीयर का इमोशन है क्या ये नर्वसनेस का इमोशन है या फिर ये हैप्पीनेस का इमोशन है या फिर ये फटीग का इमोशन है यानी कि अगर आप दौड़ रहे हो तो उससे भी क्या होता है हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं तो क्या ये जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है वो बताता है कि हमारे अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके पीछे कौन सा इमोशन जुड़ा है अब डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने इमोशंस को किस तरह से डिफाइन किया है सबसे पहले है पॉल एक्मन इन्होंने बोला कि जो ह्यूमन बींग हैं उनके अंदर सिक्स बेसिक इमोशंस होते हैं हैप्पीनेस सैडनेस डिस्गस्ट फियर सरप्राइज एंड एंगर उन्होंने बोला कि ये जो सिक्स इमोशंस होते हैं ये ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं बेसिक इमोशंस हैं बाद में इसमें फोर और एड कर दिए गए नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं रॉबर्ट प्लचिक रॉबर्ट प्लचिक ने इमोशंस को व्हील ऑफ इमोशंस बोला है ठीक है एक चक्र है इमोशंस का जिसमें उन्होंने एट बेसिक इमोशंस लिए हैं उन्होंने बोला है कि ये जो एट इमोशंस हैं इनके कॉम्बिनेशन से ही जो दूसरे इमोशंस हैं वो इवोक होते हैं ठीक है जैसे लव एंड ट्रस्ट है तो उससे एक और इमोशन इवोक हुआ दैट इज हैप्पीनेस किसी भी रिलेशनशिप में लव एंड ट्रस्ट होगा तो वहाँ पर एक इमोशन और इवोक होगा दैट इज हैप्पीनेस नाउ वी विल टॉक अबाउट थ्योरीज ऑफ इमोशंस ठीक है तो ये थ्योरीज ऑफ इमोशन में तीन कैटेगरीज आती हैं फिजियोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल एंड कॉगनेटिव थ्य फिजियोलॉजिकल थीज में क्या होता है जो बॉडीली चेंजेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इमोशंस के लिए ठीक है कि हमारी बॉडी में पहले फिजिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में पहले चेंजेस होते हैं और उनसे फिर हम हमारे जो इमोशंस हैं वो इवोक होते हैं ये होता है फिजिक फिजियोलॉजिकल थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल थ्योरीज यहाँ पर ब्रेन का इंपॉर्टेंट रोल है कि वो बोलते हैं ब्रेन है वो हमारे इमोशनल रिस्पॉस को इवोक करता है पॉगनेटिव थ्योरीज में क्या होता है हमारे जो थाट्स हैं और हमारी जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे इमोशंस को इवोक करती हैं सो फर्स्ट है so यहाँ पर इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ इमोशन तो ये जो थ्योरी दी थी ये चार्ल्स डार्विन ने दी थी और उन उन्होंने बोला इमोशन इवोल्व बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल टू सर्वाइव वो बोलते हैं कि इमोशंस जो हैं वो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं जैसे फीलिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन लेट द पीपल टू सीक मेड्स एंड रिप्रोड्यूस ठीक है तो हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे अंदर इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है ठीक है अगर हमारे अंदर इमोशंस नहीं होंगे तो हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल कलरलेस होगी यानी कि अपनी लाइफ में कलर फिल करने के लिए इमोशंस का होना जरूरी है जो डिफरेंट स्टिमुलस हमें मिलते हैं उनको रिस्पोंड करने के लिए हमारे अंदर इमोशंस का होना जरूरी है नेक्स्ट यहाँ पर जो थ्योरी है वो है जेम्स लैंग थ्योरी ये फिजियोलॉजिकल थ्योरी पे बेस्ड है और इसे दिया था विलियम जेम्स एंड कार्लैंग ने बोलते हैं कोई भी एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है वो हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को वॉक करता है और वो जो फिजी हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं यानी कि फिजिकल चेंजेस होते हैं उन पे हमारे जो इमोशंस हैं वो डिपेंडेंट होते हैं कैसे उन्होंने बोला सबसे पहले एक स्टिमुलस होता है उससे हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं उन चेंजेस के अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं यहाँ पर देखा कि डॉग हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा है तो स्टिमुलस इज कि डॉग हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा है उससे हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस हुए यानी कि हमारे हाथ पैर कांपने लग गए और हमारी हार्ट बीट एकदम क्या हो गई तेज़ हो गई तो वहाँ से जब हमारी बॉडी में ये चेंजेस हुए उसके बाद हमारे अंदर फियर का इमोशन इवॉक हुआ ये जेम्स लैंग थ्योरी है कि पहले स्टिमुलस होता है फिर बॉडी में चेंजेस होते हैं फिर इमोशनल रिएक्शन होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने किसी को चांटा मारा उसको दर्द हुआ उसके बाद उस दर्द की वजह से उसने अपना इमोशनल रिएक्शन दिया यानी कि वो रोने लगा तो जेम्स लैंग की थ्योरी ये बोलती है कि पहले स्टिमुलस होता है फिर फिजिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में देन इमोशनल रिएक्शन इवोक होता है नेक्स्ट इज कैनन बार्ड थ्योरी ये न्यूरोलॉजिकल बेस्ड थ्योरी है और इसे दिया था वॉल्टर कैनन एंड फिलिप बार्ड ने और ये बोलते हैं कि पर्सन फील इमोशन एंड एक्सपीरियंस फिजियोलॉजिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली वो बोलते हैं कि कुछ आगे या पीछे नहीं होता कि कोई भी पर्सन है वो फिजिकल चेंजेस प्लस इमोशनल चेंजेस दोनों को एक साथ एक्सपीरियंस करता है पीपल कैन एक्सपीरियंस फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस लिंक टू द इमोशन देन ब्रेन इंटरप्रेट द इमोशन ब्रेन क्या करता है सबसे पहले हमें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है ब्रेन क्या करता है उसको इंटरप्रेट करता है और फिर उसे डिफरेंट पार्ट्स को सिग्नल सेंड करता है यानी कि ब्रेन का जो पार्ट फिजिकल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके पास भी सिग्नल सेंड करता है एंड जो पार्ट इमोशनल रिस्पॉन्सिबल है पास तो भी सिग्नल सेंड करता है साइमल टेन एंसली सो ये कानन की थ्योरी है कि जिसमें वो बोलते हैं कि फिजिकल अराउजल और इमोशनल रिएक्शन ये दोनों क्या होते हैं साइड बाय साइड होते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर स्केटर सिंगर थ्योरी और इसको टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं और कॉग्नेटिव थ्योरी ऑफ इमोशन भी बोलते हैं इस थ्योरी के दो कंपोनेंट्स हैं फिजिकल अराउजल एंड कॉग्नेटिव लेबल ठीक है फिजिकल इज जो हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस होते हैं और कॉगनेटिव लेवल मतलब कि हम अपनी कॉगनेटिव एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको लेवल करते हैं सो द द प्रोसेस विद स्टिमुलस इज़ फॉलोड बाई फिजिकल अराउजल एंड देन एडिंग टू दिस इज द कागनेटिव लेबल ठीक है विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ द इमोशन ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्टिमुलस मिला उससे आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस हुए अब आपने अपनी काग्नेटिव एबिलिटीज यूज़ करके उसको लेबल दिया कि ये जो रिएक्शन मेरी बॉडी दे रही है मेंटल एक्टिविटीज चल रही हैं उनको तो आपने लेबल कर लिया कि ये जो एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ वो किस वजह से कर रहा हूँ क्या ये जो एक्सपीरियंस है वो हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस है या फिर ये जो एक्सपीरियंस है वो सैडनेस का एक्सपीरियंस है फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पर्सन है उसको न्यू जॉब मिली है ठीक है वो अपने वर्क प्लेस पर जा रहा है फर्स्ट डे उस फर्स्ट डे है उसकी जॉब का तो वो अपनी जॉब पर जा रहा है ठीक है तो जॉब पर जब वो जा रहा है जब अपने वर्क प्लेस पर पहुँच गया तो अचानक से उसने नोटिस किया तो क्या होता है उसकी फिजिकल चेंजेस होने उसकी शुरू हो गई यानी कि वो उसकी हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया ठीक है उसके हाथ पैर एकदम से ठंडे हो गए जो फिजिकल चेंजेस उसकी बॉडी में आए हार्ट रेट बढ़ना हाथ पैर ठंडे पड़ जाना ठीक है अब ये उसने अपनी कॉग्नेटिव एबिलिटीज को यूज की ये एक्सपीरियंस किया कि ये जो चेंजेस मेरी बॉडी में हो रहे हैं ये एक्साइटमेंट की वजह से हो रहे हैं या नर्वसनेस की वजह से हो रहे हैं ठीक है क्योंकि यही सेम चेंजेस किसी और इमोशन को भी क्या करते हैं इवोक करते हैं तो स्कैटर सिंगर की थ्योरी ये बोलती है कि जो भी फिजिकल अराउजल होता है उसे हम अपनी कॉग्नेटिव एबिलिटीज यूज करके उसको लेबल करते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं क्या ये हैप्पीनेस की वजह से हो रहा है सैडनेस की वजह से हो रहा है एंगर की वजह से हो रहा है तो ये सब हम अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यूज़ करके उसको लेबल करते हैं सो दिस इज इट फॉर थ्यूरीज ऑफ इमोशन आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एन इफ इट इज हेल्पफुल फॉर यू प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग